friends, welcome to EduKool. Today we are going to read a chapter from Class-6 NCERT English book. The name of the chapter is The Shepherd's Treasure. In a village in Iran, there once lived a shepherd. So friends, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक विलेज की और ये जो विलेज है वो कहाँ पर है ईरान में जहाँ पर एक शेफर्ड रहता था. He was very poor. ये जो शेफर्ड था वो बहुत ही पुअर था यानी कि वो बहुत ही गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. और वो इतना गरीब था कि उसके पास अपनी खुद की एक छोटी सी कॉटेज कॉटेज यानी कि झोपड़ी घर भी नहीं था रहने के लिए. He had never been to school. और वो कभी स्कूल भी नहीं गया था और लर्न टू रीड एंड राइट और ना ही उसने कभी भी लिखना और पढ़ना सीखा था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज बिकॉज उस समय पर बहुत ही कम स्कूल्स हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड लेकिन गरीब और अनएजुकेटेड यानी कि बिना पढ़ा लिखा होने के बावजूद दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज ये जो शेफर्ड था वो बहुत ही वाइज था वो बहुत ही होशियार था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स वो इतना होशियार था कि वो लोगों के सॉरोज यानी कि उनके दुख ट्रबल यानी कि उनकी परेशानियां समझ जाता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस और उनकी मदद करता था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी परेशानियों को करेज के साथ करेज यानी कि हिम्मत के साथ और कॉमन सेंस यानी कि दिमाग लगाकर होशियारी से उसका सामना कर सके. यानी कि वो लोगों को एडवाइस देता था जब भी लोगों को कोई सोरो होता था या कोई ट्रबल होता था और उसकी एडवाइस की वजह से वो जो लोग थे वो अपनी परेशानियों को करेज के साथ हिम्मत के साथ और कॉमन सेंस के साथ उनका सामना कर पाते थे. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस और इस वजह से बहुत सारे लोग उसके पास उसकी एडवाइस लेने के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर जल्दी ही वो फेमस हो गया अपने विजडम की वजह से यानी कि अपनी होशियारी की वजह से और अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से वो हर जगह फेमस हो गया हर जगह पॉपुलर हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम अब वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसके बारे में राजा को भी पता चला तो राजा ने सोचा कि वो उससे जाकर मिलेगा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise man lived. अब राजा ने क्या करा उसने डिस्गाइज करा उसने भेष बदला एक शेफर्ड का लुक अडॉप्ट किया और वो एक म्यूल के ऊपर म्यूल मीन्स एक खच्चर के ऊपर राइड करता हुआ राजा उस गुफा तक गया जहाँ पर वो जो वाइस मैन था वो रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. अब जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रेवलर उसके केव के पास आ रहा है तो वो उसे वेलकम करने के लिए गया. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. तो वो अपने साथ उस ट्रेवलर को अपनी केव के अंदर लेकर गया अपनी गुफा के अंदर लेकर गया और उसे पानी दिया पीने के लिए और उसके पास जो भी थोड़ा बहुत खाना था यानी कि उसके पास जो भी थोड़ा सा मीगर मील था वो उसने उसे खाने के लिए दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन जो राजा था उसने वो रात उसी गुफा के अंदर गुजारी और वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी मींस उसकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हो गया और उसकी जो वाइस कन्वर्सेशन थी दोनों के बीच में जो वाइस बातें हुई थी वो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया. दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग अब वो जो राजा था वो अगली सुबह भी टायर्ड महसूस कर रहा था लेकिन फिर भी उसने वहाँ से जाने का फैसला लिया उसने वहाँ से डिपार्ट होने का फैसला लिया. ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो परमिट मी टू लीव
उसने शेफर्ड से कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो काइंडनेस दिखाई एक गरीब ट्रेवलर की तरफ। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे अभी बहुत दूर जाना है, परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। शेफर्ड ने सीधा राजा की आंखों में देखते हुए बोला कि आपका महाराज बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे मिलने आए। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, ये सुनकर जो राजा था वो शॉक्ड भी रह गया लेकिन उसे अच्छा भी लगा। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ये वाकई बहुत होशियार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने सोचा। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और मुझे इसके जैसे लोगों की ही ज़रूरत है मेरे लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उस हम्बल शेफर्ड को, उस नरम दिल के शेफर्ड को गवर्नर बना दिया एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। अब भले ही उस शेफर्ड को पावर मिल गई थी गवर्नर बनने के बाद, उसे डिग्निटी मिल गई थी, रिस्पेक्ट मिल गई थी सोसाइटी में, लेकिन उसके बावजूद वो जो शेफर्ड था उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ और वो पहले की तरह ही हम्बल रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, और इसी वजह से लोग उसको प्यार करने लगे, उसे ऑनर करने लगे, क्योंकि वो बहुत ही वाइस था, उसे दूसरे लोगों के लिए दिल में दया थी, वो उनकी तरफ सिंपैथी रखता था, और उसमें गुडनेस तो थी ही क्योंकि वो बहुत एक अच्छा इंसान था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वो सभी की तरफ एक जैसा ही काइंड था, और उसका जो न्याय था वो भी सबके लिए एक समान था, यानी कि वो सभी की तरफ जस्ट था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और इसी वजह से जो उसका नाम था, जो उसका फेम था, वो पूरी कंट्री में फैल गया कि वो बहुत ही फेयर और वाइज गवर्नर है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली ज्वेलस ऑफ हिम, और इस वजह से जो बाकी प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे, जो बाकी राज्यों के गवर्नर थे, वो उससे बहुत ज़्यादा ज्वेलस होने लगे, वो उससे बहुत ज़्यादा जलन करने लगे। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसकी बुराई करने लगे। अब उन लोगों ने राजा के कान भरने शुरू करे, राजा को उस शेफर्ड के खिलाफ करना शुरू किया। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो तो बहुत ही बेईमान है। And keeps for himself part of the money that he collects ex tax from the people, और वो जो लोगों से टैक्स लेता है, टैक्स कलेक्ट करता है, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him they added an iron chest, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट, एक लोहे का संदूक क्यों रखता है? Perhaps he carried it in the treasure that he had secretly collected. शायद वो उस आयरन चेस्ट के अंदर वो खजाना रखता है, वो ट्रेजर रखता है जो उसने छिप छिपा कर कलेक्ट किया है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और उन्होंने उसका मजाक बनाते हुए mockingly कहा कि वो एक ordinary shepherd था, वो एक मामूली सा shepherd था, उससे और क्या ज़्यादा उम्मीद रखी जा सकती थी। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। अब पहले तो राजा ने इन गवर्नर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो रिपोर्ट्स उसे मिल रही थी उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कितने लंबे समय तक इग्नोर कर सकता था उन गवर्नर्स की एंडलेस स्टोरीज को जो वो शेफर्ड के बारे में बता रहे थे। One thing was certain, the king discovered. एक बात तो पक्की थी जो राजा ने भी डिस्कवर करी थी। The new governor did carry an iron chest with him all the time. ये जो नया गवर्नर था वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट तो कैरी करता ही था। So one day the new governor was summoned to the palace. इसलिए एक दिन राजा ने उस न्यू गवर्नर को अपने पैलेस में बुलाया। He came riding on his camel. तो वो गवर्नर अपने कैमल के ऊपर राइड करता हुआ पैलेस में आया।
एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, यानी कि वहाँ पे जितने भी गवर्नर थे वो सब बहुत खुश हो गए ये देखकर. द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फेस्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. कि वो जो आयरन चेस्ट था जिसके बारे में उन्होंने राजा को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया था, जो फेमस आयरन चेस्ट था वो भी उस गवर्नर के साथ था और वो उसके कैमल के बैक पर बहुत ही ढंग से बंधा हुआ था. Now the king was very angry. अब ये चीज़ देख कर राजा बहुत ही गुस्सा हो गया. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" तो राजा ने उससे गुस्से में पूछा कि तुम हमेशा अपने साथ इस iron chest को क्यों carry करते हो? ऐसा आखिर इसके अंदर क्या है? The governor smiled. अब राजा की बात सुन के वो जो गवर्नर था वो हंस दिया. He asked his servant to bring in the chest. उसने अपने सर्वेंट से कहा कि वो जो चेस्ट है, वो जो संदूक है, उसे लेकर आओ. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. अब वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे वो बहुत ही eagerly, बहुत ही उतावले होकर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अब तो ये शेफर्ड पकड़ा जाएगा. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels but an old blanket was all that came out. अब न केवल राजा बल्कि वहाँ पे मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जब वो संदूक खुला तो उसके अंदर ना तो कोई सोना था, ना ही कोई चांदी थी और ना ही कोई ज्वेल थे, बल्कि उस संदूक के अंदर तो एक पुराना ब्लैंकेट था. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस इज़ माई डियर मास्टर, इज़ माई ओनली ट्रेजर. तो उस ब्लैंकेट को अपने हाथों में प्राउडली उठाते हुए उस शेफर्ड ने कहा कि मेरे प्यारे मास्टर, यही मेरा इकलौता ट्रेजर है. आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, इसको मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ. But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district, the king asked. तो राजा ने उससे पूछा कि तुम इतने ordinary से blanket को हमेशा अपने साथ क्यों carry करते हो? तुम तो एक district के governor हो, उसके बावजूद तुम अपने साथ इतने ordinary blanket को क्यों carry करते हो? To which the shepherd replied with quiet dignity. राजा की बात सुनकर शेफर्ड ने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ बोला, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरी हमेशा रक्षा करेगा. इफ़ एट एनी टाइम, अगर किसी भी समय, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, अगर किसी भी समय महाराज की इच्छा हुई मेरे ये जो न्यू क्लोक्स हैं, मेरे ये जो नए कपड़े हैं मुझसे छीनने की. दैट मीन्स अगर राजा की कभी भी इच्छा हुई कि वो मेरा जो पद है, उन्होंने मुझे जो गवर्नर बनाया है एक डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो कभी भी मुझसे उस ऑनर को छीनने की इच्छा रखेंगे तब भी ये जो ब्लैंकेट है ये मेरी उस समय रक्षा करेगा. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. अब राजा तो उस वाइस मैन का रिप्लाई सुन के खुश हो गया, लेकिन वहाँ पे जो ज्वेलर्स गवर्नर्स थे जो उसे जलन रखते थे वो ये चीज़ सुनकर बहुत ही एम्बेरेस्ड हो गए, बहुत ही शर्मसार हो गए. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हमलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. अब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि वो जो शेफर्ड है वो वाकई सबसे ज़्यादा हम्बल और सबसे ज़्यादा वाइस मैन है उनकी लैंड का, उनकी कंट्री का. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और राजा ने उसे उसी दिन और बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा. प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा. If you are new to the channel, please do subscribe it. That's all for today. Bye-bye.